नहीं पता, आप अपने सपने निकालिए, लेकिन हम ये बिजनेस क्यों करें? हम तो बहुत बिजी हैं। बिजी हो? हाँ। क्या करते हो? 6,000 रुपए मिलते हैं। आप 6,000 रुपए कमाने में बहुत बिजी हैं? आपके पास ये बिजनेस बिल्ड करने का समय नहीं है? आप 6,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हैं, आपको 1,00,000 रुपए कमाने का समय नहीं है। आप 6,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हैं, आपको अपनी मम्मी पापा के पास जाने का समय नहीं है। आपके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं। 3 साल मिले हो गए हैं, कब जाएंगे मिलने के लिए? कब जाओगे? आपके पास समय नहीं है। आप 6,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हैं कि आपको यह समय नहीं है कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है। कहां बिजी हैं आप? आपके पास दो मिनट अपनी मां के पैर दबाने का समय नहीं है? आपने शादी फैक्ट्री से की थी या अपनी वाइफ से की थी? कहां बिजी हैं आप? तो बहाने मत बनाइए दोस्त, जहां बिजी है ना, बहुत महान काम नहीं कर रहे हो। आपको यह समय नहीं है कि आपके बच्चे को क्या चाहिए, आपकी वाइफ की डिमांड क्या है, और आप बिजी हैं। आज के बाद मत बोलना कि मैं बिजी हूं। आपके जो माइंड सेट है ना, जब तक माइंड सेट नहीं तोड़ोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। माइंड सेट क्या है? एक हाथी होता है और हाथी को एक छोटी सी जंजीर से ऐसे बांध देते हैं, और महावत उसको बांधता है एक जंजीर से, और उसके माइंड में यह बैठा देता है कि तुझको बांध रखा है, और वह बंधा रहता है, बंधा रहता है। और वही महावत उस हाथी को खोलकर जंगल में जाकर बड़ी बड़ी लकड़ियां उठवाता है, बड़े बड़े पत्थर तोड़वाता है उससे। उसको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, और उसकी ताकत को अंदाजा, ताकत उसको यूज कर रहा है महावत। सेम हाल आपका है, हमारा था। हम बिजी थे। किस जगह बिजी थे? आपने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इतनी पढ़ाई लिखाई की, और आपको 6,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 से ऐसा बांध दिया है कि आपको सिर्फ वही दिखता है। आप काम करते हैं, अरे आपको जो आज मिलता है, क्या आप उतने के लायक थे या उससे ज्यादा के लायक थे? बताइए, ज्यादा मिलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। आपको 6,000, 10,000 से ऐसा बांध रखा है आपके बॉस ने कि सारी जिंदगी काम करो, और उसके बाद में फिर आपकी वो टांग बांध रखी है, कभी भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। और यही आपके बॉस, यही लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, आपकी ताकत यूज कर रहे हैं, और आपके सामने सिर्फ 6,000, 8,000, 10,000 फेंक रहे हैं, और आप उसी में खुश हो जाते हैं। माइंड सेट, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि तू पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, तो आप जॉब कर रहे हैं। कभी आपके माइंड में बैठाया था कि तुम 2,00,000 रुपए कमा सकते हो? मुझे नहीं सिखाया कभी किसी ने, हमारे माँ बाप ने, कि तुम 2,00,000 कमा सकते हो, 3,00,000 कमा सकते हो? तो माइंड में 2,00,000 की पिक्चर बैठती नहीं है। तो जब तक माइंड को तोड़ोगे नहीं, आपको यह नहीं पता चलेगा कि आज मैं कहां बिजी हूं और मुझे क्या करना चाहिए था, तब तक आपको यह बिजनेस समझ में नहीं आएगा। यह बिजनेस की जरूरत क्यों है? हमारे यूपी में कहावत है, जवाई ले गई बेटी, बहू ले गई पूत, और हम रहे ऊथ के ऊथ। सुना है आपने? इसका मतलब पता है क्या है? बेटियों की शादी कर दो, बेटियां अपने घर की हो गई, और बेटों की शादी कर दो, मेरे बुढ़ापे के सहारे, मेरे 2 बेटे, एक ने बोला पापा मेरा जॉब लग गया भोपाल में, मैं तो जा रहा हूं, वहीं लड़की ढूंढ ली है, वहीं पर सेटल हो जाऊंगा, मेरा शेयर लाओ, शेयर हिस्सा, यूपी में बहुत चलता हिस्सा। एक ने कहा पिताजी मेरा जॉब लग गया पूना में, मैं भी चला, मेरा भी हिस्सा लाओ। आपके घर के 2 चिराग, जिन पर उम्मीद थी कि मेरे बुढ़ापे के सहारे, दोनों चिराग छोड़ के चले गए, अंधेरा हो गया। क्या बचा तुम्हारे पास? हरिद्वार जाने के पैसे नहीं बचते हैं, हकीकत है ये। 98% लोग आफ्टर रिटायरमेंट या तो बच्चों पर डिपेंड करते हैं या रिलेटिव पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों मेरे पिताजी के तो देखा है जब सिक्योरिटी क्या होती है। मेरे पिताजी की सिक्योरिटी, जब तक LIC में DM थे ना, मुझे लगता था कभी इसका जॉब लगवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लोग सलाम मारते थे उनको। और जैसे ही पिताजी बीमार हुए, बिस्तर पकड़ा, एक आदमी भी उनको पूछने तक नहीं आया था। तो दोस्तों जिस कुर्सी पर आज आप बैठे हैं, जिसको आप समझते हैं कि कुर्सी आपकी अमर है, ये अमर कुर्सी नहीं है आपकी, एक दिन आपके नीचे से निकलने वाली है। तो जब कुर्सी साथ नहीं देगी, आपके बच्चे साथ नहीं देंगे, मतलब परस दोस्त साथ नहीं देंगे, दुनिया के किसी बिजनेस में मैंने ऐसी सिक्योरिटी नहीं देखी। 13 साल फिल्मी दुनिया में काम किया, आज मुझे कुछ हो जाए तो क्या मेरे बच्चों को कोई इनकम आएगी? आएगी नो। मेरी जगह मेरी वाइफ काम कर सकती है एक्टिंग? नहीं कर सकती। क्या होगा? ये सोच सोच के कांप जाता था कि कल को क्या होगा।
फिल्मी दुनिया में बर्बाद ज्यादा हुए, आबाद बहुत कम लोग हुए हैं। मैं नहीं चाहता था बर्बाद होना, इसलिए मैंने इस बिजनेस को देखा और इमीडिएटली इसको लिया। आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपके जॉब में सिक्योरिटी है, लेकिन आपके अंदर क्या सिक्योरिटी है? जरा सी देर में आपका पैर गए, रात को सोए, सुबह उठे पता नहीं, सुबह निकले रात को पहुंचेंगे पता नहीं, क्या सिक्योरिटी है? है सिक्योरिटी किसी के पास? नो सिक्योरिटी। मैं आज आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं, मैंने की थी, मैं कांप गया था। इसका जवाब सुनिए आप। आज रात को घर जाना, 1 बजे रात को उठना और अपने पूरे सोते हुए परिवार को देखना और कोने में खड़े होकर यह देखना, अपनी पत्नी का फेस देखना, अपने बच्चे का फेस देखना, अपने मम्मी और पापा का फेस देखना, अपने भाई और बहनों का फेस देखना कि कितने बेसुध होकर वो सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं वो बेसुध होकर? कि कोई एक आदमी है जो उनकी चिंता करने वाला है, आप घर के मुखिया। और यह सोचना 1 बजे रात को कि यह आदमी जो इस घर का मुखिया है, कल को भगवान ना करे कुछ भी हो सकता है, इसकी तस्वीर पर अगर माला चढ़ जाए तो क्या आज मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जिससे कल को मेरे परिवार को सिक्योरिटी देगा? अगर जवाब ना में है तो आपको इस बिजनेस की सख्त जरूरत है।